हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये देखने में जितना खूबसूरत है ना, खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट, बस मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलिए आज हम मैदे से पापड़ बनाएंगे एकदम यूनिक स्टाइल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप भी बहुत अच्छे पापड़ बना पाए। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज हम मैदे से पापड़ बनाएंगे, तो उसके लिए आप कोई भी कप, कटोरी या फिर किसी भी बर्तन से नाप कर लीजिएगा। और मैं भी इस कटोरी से नाप कर एक कटोरी मैदा ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा का भी बना सकते हैं और कम का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पापड़ बनाना चाहते हैं। तो बस नाप कर लेना है, आप जितना भी बनाना चाहते हैं ना उसे नाप कर ही लीजिएगा किसी भी बर्तन से, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग इसमें पानी भी ऐड करेंगे। तो मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है, तभी जाकर ये पापड़ बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो एक कटोरी मैदा मैंने एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो पापड़ में ना थोड़ा सा ही नमक डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक इसमें नहीं लगता है पापड़ में। तो यहाँ पर मैं बस आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो उसी कटोरी से हम इसमें पानी नाप कर डालेंगे जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था। तो अभी हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए डालना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी पूरा पानी अभी इसमें डाल दिया है। तो अभी हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे, और उसके बाद हम इसमें और भी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें दूसरा कटोरी पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर दो कटोरी पानी डालने के बाद हम दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाकी का पानी हम बाद में ऐड करेंगे। तो टोटल हम इसमें 7 कटोरी पानी डालेंगे। एक कटोरी हमने मैदा लिया था ना, तो इसके हिसाब से हम इसमें 7 कटोरी पानी डालेंगे। अगर आप 2 कटोरी ले रहे हैं तो उसमें आप 14 कटोरी पानी डालेंगे। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा या फिर कम का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें बाकी का पानी भी ऐड कर लेंगे। तो ये रहा 3रा कटोरी पानी और ये 4था, ये 5वा कटोरी और ये हो गया 6ठा कटोरी और ये पूरा हो गया हमारा 7 कटोरी पानी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल इस तरीके से पतला घोल बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर आपको कोई भी बड़ा सा कढ़ाही या फिर कुछ भी ले लेना है, जो आपके पास बड़ा बर्तन होगा वो आप ले लीजिए और इसमें इस घोल को डाल देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये क्या होगा ना कि मैदा है तो नीचे से ये जमने लगता है, चिपकने लगता है, इसीलिए इसको लगातार चलाते रहना है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्लेम को अभी हाई रखेंगे और जैसे ही ये गाढ़ा होने लगेगा ना, हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है इस तरीके से। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे इसी तरीके से लगातार चलाते हुए अभी और पकाएंगे, और इसे पकने में ना 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 से 7 मिनट तक आप इसको अच्छे से पका लीजिएगा और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पकना शुरू हो गया है। बस इसी तरीके से इसको चलाते हुए पकाते रहना है। और यहाँ पर मैंने इसको 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। आप इसको जितने अच्छे से पकाएंगे ना, पापड़ उतने ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो अब 6 से 7 मिनट तक पकने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि किस तरीके का ये जो हमारा घोल है ना, इसको बनाकर तैयार करना है। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से गाढ़ा हो गया है और ट्रांसपेरेंट भी लग रहा है। तो बस इसी तरीके से घोल बना करके तैयार करना है। इसे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे और इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम क्या करेंगे कि इसको एक छन्नी में छान लेंगे, ताकि जो भी इसमें छोटी मोटी गुठलियाँ रह गई हैं ना, इसमें जो भी थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो इस तरीके से इसको छान लेना है अच्छे से, और ये हमारा बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार है। तो अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें केवल नमक और लाल मिर्च ही डाल रही हूँ। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे
यहाँ पर आप चाहे तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से प्लेन भी पापड़ बना सकते हैं, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट पापड़ बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस बैटर को मैं थोड़ा सा अलग ट्रांसफ़र कर रही हूँ अलग बर्तन में, तो यहाँ पर हम आधा से कम ही बैटर इसमें डालेंगे और आधा से ज़्यादा हम बचा लेंगे इसमें, व्हाइट ही रखेंगे इसको। और जो हमने इसमें थोड़ा सा बैटर ट्रांसफ़र किया है ना, इसमें मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के कलर कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो व्हाइट वाला बैटर है ना, इसको ढककर रखेंगे, नहीं तो क्या होता है कि इसके ऊपर पपड़ियाँ जमने लगती हैं। तो इसे कवर करके रखेंगे। और तब तक क्या करेंगे हम कि इस बैटर को हम एक प्लास्टिक के थैले में डाल लेंगे। तो आप इस तरीके का कोई भी थैला ले सकते हैं, मैदे का, नमक का, या फिर दूध का भी आता है, उसमें आप इस बैटर को डाल सकते हैं। तो इस बैटर को यहाँ पर मैंने डाल दिया है और अब हम इसको रबर बैंड से बांध लेंगे ऊपर से। और अब हम इसमें इस कोने पर छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि इसमें एक छोटा सा होल बन जाए। और अब हम चलते हैं पापड़ बनाने के लिए छत के ऊपर, ताकि हम आसानी से पापड़ को धूप में सुखा पाएँ। आप चाहे तो इसे पंखे के हवा में भी सुखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसको सूखने में। और अभी धूप अच्छा खासा निकल रहा है, तो हम इसे धूप में सुखाएंगे तो एक ही दिन में ये पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो पापड़ बनाने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक का शीट ले लीजिए। और इस पे हम क्या करेंगे कि पहले व्हाइट वाले बैटर को डालेंगे और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद ये कलर वाला बैटर जो हमने प्लास्टिक के थैले में डालकर रखा था ना, उससे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले चारों तरफ से राउंड राउंड इस तरीके से बना लेंगे और इसके बीच में एक लाइन खींचेंगे और साइड साइड से भी इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। और दोबारा से इसको क्रॉस करते हुए हम लाइन बना लेंगे इसके ऊपर से। आप अपने अनुसार इस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आता है इसको बनाने में। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। और एक पापड़ मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से स्प्रेड करना है पहले व्हाइट वाला बैटर और उसके बाद इस पर डिजाइन बना लेना है इस कलर वाले बैटर से। और इसी तरीके से सारे पापड़ को हम बना करके तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने सारे पापड़ को बना करके तैयार कर लिया है और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और अभी मेरे पास ना ये कलर वाला बैटर थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग डिजाइन में बना लेती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं फ्लावर जैसा इसको बना रही हूँ। आप अपने अनुसार अगर इस तरीके से बच जाए बैटर तो बना सकते हैं कोई भी डिजाइन इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया ये भी लग रहा है, बिल्कुल फ्लावर के जैसा मैंने बना लिया है। तो ये देखिए, सारे पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको छोड़ देते हैं धूप में सूखने के लिए और जब ये सूख जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये लीजिए, सारे पापड़ सूख कर तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और इस पे डिजाइन भी बहुत ही बढ़िया आया है। और ये रहे फ्लावर वाले पापड़ जो हमने बचे हुए बैटर से बनाया था, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे बने हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल को पहले से गरम कर लिया था। तेल बहुत ही अच्छा गरम होना चाहिए पापड़ को फ्राई करने के लिए। और जब ये अच्छे से तेल गरम हो जाए ना, हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम पापड़ को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, मैंने पापड़ को डाल दिया है और इसे इस तरीके से हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं, बिल्कुल पहले से डबल साइज में हो गया है। जो पहले हमारा पापड़ था वो देख सकते हैं आप कि कितना छोटा था और अब ये कितना बड़ा हो गया है फूल करके। और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, सारे पापड़ को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और ये रहे फ्लावर वाले पापड़, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छे बने हैं ये भी। और अब मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं ये देखिए। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे पापड़ आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।